अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब साफ पहले से। तो आज का जो व्लॉग है वो क्या मैं बनाने वाली हूँ, ना तो उसमें तेज़ मिर्ची है, ना उसमें खटाई है, ठीक है। और वो रेसिपी है गर्मियों की, और आपको पता ही आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अपने व्यूअर्स के लिए, प्यार भरे व्यूअर्स के लिए जो लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, छोटे सा बटन लिया और प्रेस करते हैं, तो क्यों ना मैं आप लोगों के लिए जो है ना एक सिंपल सी जो है ना सिंपल सा पुलाव है वो आज बनाया जाए, ठीक है जी। तो उसमें खटाई भी नहीं है, उसमें तेज़ मिर्चें भी नहीं है, उसमें तेज़ जो ना गर्म मसाले, जैसे मसाले वसाले होते ना, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। वो है सिंपल रेसिपी और वो है मेरी हमारे पंजाबी स्टाइल, जिसमें आपको पता ही है कि मैं सारे खाने जो बनाती हूँ अपने पंजाबी स्टाइल में बनाती हूँ। और मेरी जो वालदा थी वो, उनसे मैंने सीखा है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करके, ठीक है जी। तो अपनी रेसिपी हम शुरू करते हैं। इसमें रखवाने रही, ये देखें, ये आ गया हमारा छोटा सा किचन, जिसका आपको पता ही छोटा सा किचन है मेरा। और ये है ऑयल जिसे हम बनाएंगे, ये भी एंड पे हो रहा है तो कोई नहीं। अच्छा ये जी क्या है, ये है मटर, ये है मटर और ये है चावल, ठीक है। ये चावल है जी, और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये है दही, और ये है क्या जी, ये है खीरे, ठीक है। इसका भी इस्तेमाल हम रखेंगे और सलाद के तौर पर बनाऊंगा, ठीक है, इसको मैं बताती हूँ आपको। और ये है जी प्याज, जो मैंने दो प्याज लिए थे, इसको सौदे करेंगे हम, ठीक है। और ये हरी मिर्चें, ये भी इसमें ऐड होंगी, और प्याज इसमें ऐड होंगे, और क्या क्या ऐड होगा मैं बता देती हूँ आपको मैं। और ये जी है चिकन क्यूब्स, इसके बगैर तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये लाजमी ले लीजिएगा, अगर आप लोगों ने अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। और हम तो सभी बहुत शौक से खाते हैं ये पुलाव, क्योंकि सादा पुलाव है, और आजकल जो ना रोटी खाने को तो नहीं करना, गर्मी बहुत है, तो इस वजह से ना सादा पुलाव या सादी कोई चीज़ बना ली जाए घर में तो वो खाई जाती है। फिर लस्सी खाने के साथ ना, लस्सी में हमारे घर में लस्सी बहुत पी जाती है खाने के साथ, जो ना हम लोग ना लस्सी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो नींबू का पानी जैसे होता है तो वो भी हम जो ना खाने के साथ ही हम यूज़ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। जाहिर सी बात है कि जो नींबू का होता है जूस, ये बहुत अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है। तो सर्दी में भी क्या, गर्मी में भी क्या पीना चाहिए इंसान को, लेकिन ये कि वो बहुत अच्छा होता है, नींबू का इस्तेमाल रखा करें अपने घरों में, बच्चों को भी पिलाया करें जूस, तो अच्छा होता है, ठीक है जी। तो ये होती रहेंगी मेरी बातें। और ये है चिकन क्यूब्स, ये दिखा दूँ मैं आप लोगों को, ठीक है जी। इससे जो है हम पुलाव बनाएंगे, ठीक है जी। तो चलें हमारे छोटे से किचन में, तो आपको मैं बताती रहूँगी साथ साथ। ऑयल है जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और हम इस तरह से आपको नज़र भी आता रहेगा। ये जी प्याज है, इसको हमने सोते का, फिर आगे मेरी डोई मेरे हाथ में छोटी सी ये बता है हमारा पुलाव। प्याज जो ना हम लोग सौते करेंगे, इसको हल्का हल्का लाइट ब्राउन करेंगे, तेज नहीं करेंगे, हल्का लाइट ब्राउन। और ये मैं बताऊँ आपको, ये रेसिपी जो ना बहुत सिंपल सी है, क्योंकि ये झटपट में तैयार होने वाली है, और कोई इसके अंदर मसाले नहीं है, ये सिंपल रेसिपी है।
ठीक है, सिंपल खाना है ये आपको पता ही जैसे, तो और रायता भी इसके साथ, सलाद रखेंगे इसके साथ और फिर आपको दिखाएंगे भी। ठीक है, इसमें हरी मिर्चें के भी ऐड होंगी जब तक मैं सलाद के लिए जो है और प्याज थोड़ा काटे थे मैं, तो पुलाव हमारा है जो प्याज है, सॉरी प्याज जो है वो सलाद के लिए मैंने प्याज जो है वो कटिंग करके रख दिए थे। दिखाऊँ आपको प्याज, ये मैंने गोल गोल काटे हैं इसके अंदर प्याज, जैसे आपका दिल करे सलाद बना लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है जो जैसे भी आपका दिल करे सलाद रखने के लिए, इसमें आप खीरा डाल दें, टमाटर डाल दें, जो भी आपका सलाद की जो चीज़ें होती हैं वो आप जैसे मर्जी खीरा रखें। ठीक है, ये हो रहे हैं मीडियम पे रखेंगे, इसको ज़्यादा तेज नहीं करेंगे, हमने तेज़ नहीं करना ना इसको, हमने लाइट ऑन नहीं करना इसको। इसको हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हम मटर। ठीक है, ये है मटर, ये मैंने वॉश नहीं किया था, चिकन क्यूब्स इसमें डले। ठीक है, थोड़ा सा हम भूनेंगे फ्राई करेंगे, पानी ऐड करेंगे इसमें और जो मटर है इसमें, हल्की आँच हम कर देंगे थोड़ा सा, पानी ऐड कर देंगे इसमें जितना हमने पानी लेना है, क्योंकि अभी हम डालेंगे इसमें चावल,
हल्दी थी, और अब डालेंगे हम नमक। हंसे मामूल जो है ना वो देख लीजिएगा आपकी तरफ से, क्योंकि हम बना रहे हैं पुलाव, तो इसमें थोड़ा सा देखते डालिएगा। ठीक है जी, तो इसमें हम बचपन जो सो जाए हमारे, ये देखिए जी पानी ऐड किया मैंने, और ये जो मटर है ये देखिए मटर भी है, इसमें प्याज भी है, और झटपट में ये जो है ना तैयार हो जाता है। ठीक है जी, और ये जो प्याज मैंने काटे थे ये गोल गोल, ये सलाद के लिए हमने बनाए हैं। ठीक है, और इसमें हमने अब डालनी है हरी मिर्चें हांडी में। ठीक है जी, ये देखो ये चली गई हांडी में, क्योंकि हाँ इसमें हरी मिर्चें हम डले इसमें ऐड करेंगे और कुछ नहीं ज़्यादा ऐड करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि हम सिंपल बना रहे हैं, और ये है जी सलाद के लिए। ठीक है जी, अभी इस ना आप जो ना सलाद अपनी मर्जी से आप काट लें, या चकोर चकोर काट लें, गोल गोल काट लें, लंबाई में सो काट लीजिएगा, मर्जी आपकी, जैसा सलाद आपको चाहिए वैसे आप बना लीजिएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता कि जो मैं बना रही हूँ वही आप लोग बनाएं, अपनी मर्ज़ी से जैसे भी सलाद आपको चाहिए, टमाटर भी इसमें ऐड कर लें, मर्ज़ी है, हरा धनिया है जैसे, चुकंदर है जैसे, नींबू है, और मूली है, जैसे भी आपका दिल करे वैसे आप जो ना इसको बना लीजिएगा। ठीक है जी, हांडी को फिर देख लेते हैं, क्योंकि इसमें चिकन क्यूब्स हमने डाली है तो वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाए, चक लेते हैं। परफेक्ट, और थोड़ा सा सजावट के लिए इसको रख देते हैं। और ये है जी चावल, ठीक है, ये आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा ही हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, अब इसमें ऐड करेंगे चावल। ठीक है ना, चूल्हा हम तेज़ कर देंगे, क्योंकि चावल हम बना रहे हैं तो हम तेज़ आंच पे बनाएंगे, सिलो आंच में नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो हलवा बन जाएगा फिर। ठीक है ना जी, अब हमने बना दिए, अब इसमें हमने डाल दिया, अब इसको चमचे के साथ चावल भी इसमें चलेगा, ये मटर है जी, और ये है हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी है मैंने। डोई का इस्तेमाल जो ना मैं इसलिए रखती हूँ कि मुझे जो ना इसे मैं कंफर्टेबल होती हूँ, ये डोई जो ना, वैसे तो देखिए ये चमचा भी है और आपको दिखाऊँ ये भी चमचा है, लेकिन पता ही नहीं क्यों मुझे इसमें ना बस एक आदत सी होती है ना। और ये जी हम बना रहे हैं अपना सलाद, ये देखें, और ये रायते के लिए अभी रायता भी बना रही हूँ, आपके सामने बनाऊँगी रायता। ठीक है जी, तो बस अब अरे हमारी हांडी हो रही है तैयार, पुलाव हो रहा है हमारा, सिंपल सा हमने बनाया आज, और ये बनकर तैयार हो जाएगा तो फिर आपको दिखा भी देंगे। ठीक है, और ये रायता है। ठीक है जी, ये है जी हरा धनिया। ठीक है, ये रायते के लिए बस बना रहे हैं रायता भी आपके सामने। क्योंकि मैं इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं बनाती,
गर्मियों में तो खास तौर पे नहीं बनाती, इसलिए कि भाई गर्मी इतनी होती है और बच्चे खाते नहीं हैं। अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये सिंपल सा है, कोई इतना हार्ड नहीं है, कोई इतना मुश्किल नहीं है और बहुत आसानी से ये बन जाता है। तो ये क्या है जी, हम बना रहे हैं रायता। ठीक है जी, हम बना रहे हैं रायता। रायते के लिए चीज़ें चाहिए, ये है दही, ठीक है, दही इसमें ऐड करेंगे, दही ऐड करते हैं हम। ये है धनिया, ये ऐड करेंगे इसमें। मुझे जो रायता जो पसंद है ना, वो मुझे गाढ़ा गाढ़ा पसंद है, मुझे जो ना पतला वाला गाढ़ा वो होता है ना रायता, मुझे नहीं अच्छा लगता, पानी वाला जो है ना। और चावल हो रहे हैं हमारे रेडी, यहाँ पर ये आएगा यहाँ पर, और ये ब्लेंडर हमने किए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखिए जी हो गया, ये देखिए रायता। ठीक है जी, इसको हम निकाल देते हैं बॉल में। ये देखें जी हमारा पुलाव, अभी हम इसको रखेंगे दम पे 10 मिनट के लिए, हमने दम पे इसको छोड़ना, ठीक है। जब तक मैं अपने काम कर लूँगी जब तक ये चावल हो जाएंगे तो फिर आपको दिखाते हैं, जब तक इसका जो पानी है वो हम खुश कर लें। जब पानी खुश हो जाएगा तो बस हम दम पे रख देंगे। चाहे तो आप ना ऊपर से जो ना प्याज होती है उसको लाइट ब्राउन करें, और वो भी जब ना दम पे रखते हैं तो वो भी आप ऐड कर दीजिए बस, ठीक है। चाहे तो आप जो ना इसमें ना जर्दा रंग होता है वो भी ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, मैंने नहीं ऐड किया था, तो मेरे बच्चों को ऐसे ही पसंद है। तो अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े का ये पुलाव बनता है, सिंपल पुलाव है ये। बस इसको हम अभी दम पे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये जी गया दम पे, ठीक है जी। तो ये बना रहे हैं हम रायता, बना लिया बल्कि, ठीक है, ये बनाया रायता, ये देखें। और ये जो है सलाद, इसको हम लगाते हैं यहाँ पर, और हम इसको तरीके से जो है ना इसको लगाते हैं, इतना सा लगाएंगे सब, ऐसे करके लगा देते हैं, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी लगाएं, जैसे मर्ज़ी से सजावट करें, क्योंकि खाने की सजावट जो होती है वही अच्छी लगती है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला सबके घर में बरकत अता करे, रहमत अता करे, सबके घर में रिक्स अता करे, ठीक है जी। तो ये देखें हमारा, ये देखें रायता भी, रायता भी ये रहा, और ये रहा हमारा सलाद, ये देखें जी, ठीक है। ये हमारी दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं, तीसरा जो है वो पुलाव बन रहा है, और इसको हमने रख दिया दम पर, ठीक है जी। जैसे ही चावल होते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे मैंने बनाया था। ये है जी प्लेट, इसमें इसके अंदर हम चावल निकालेंगे अभी, बस ये हो जाए चावल और फिर आपको दिखाते हैं। कैसा लगा? माशाल्लाह माशाल्लाह से
प्यारा भी लग रहा है, सजावट भी देखें कितनी खूबसूरत और माशाल्लाह से प्यारी प्यारी सी, और खाने में भी बड़े मज़े का। ठीक है जी, सिंपल सा है ये, कोई इतना हैवी खाना नहीं है, सिंपल सा है और गर्मियों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, पुलाव हो रहा है हमारा दम पर, तो जैसे ही ये दम पर होता है 10 मिनट का हमने टाइम दे दिया, और 10 मिनट के बाद फिर आपके सामने हम गाड़ी आपको दिखाएँगे कि मैंने आज ये सिंपल सा पुलाव बनाया है। ठीक है जी, धनिया डालें अगर डाल सकते हैं तो धनिया भी डाल दीजिएगा इसमें सलाद में। ठीक है, तो यहाँ पर जो था ना मेरी स्लिप जो थी वो अभी किचन जो है ना आपको पता ही है कि ये नहीं बन सकता क्योंकि अभी रात में ऐसे नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला जब अल्लाह ताला देगा तो ज़रूर हम बनाएंगे अपना किचन इंशाल्लाह ताला। तो आपकी मदद चाहिए हमें, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल का छोटा सा बटन दिया वो भी प्रेस कर दीजिएगा व्यूअर्स। ठीक है, तो आपकी मदद से जो ना हमने लगना है बाहर और पाकिस्तान का करना है हमने नाम रोशन। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग सबका ही ख्याल रखेंगे, मेरा भी ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, तो मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, और बहुत मेहनत होती है, बहुत मेहनत से आप लोग देखते ही हैं कि वो लोग बना रहे होते हैं तो बहुत मेहनत होती है, तो लोग देख तो रहे होते हैं लेकिन ना लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, और वो भी कर दिया करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ठीक है जी, हम ले लेते हैं अपना पाव। ये देखिए जी, ये दिखाऊं मैं आपको पुलाव की शिकल, ये देखें पुलाव हमारा हो चुका है तैयार। इसमें हमने ये देखें चावल देखें, इसके एक एक कनी जो है ना वो हो चुकी है। ठीक है, अब हम आपको इसमें प्लेट में डालकर दिखाते हैं। इसमें पानी रही होंगे, देखें जी आ रही है, और किस तरह से कितना प्यारा लग रहा है ये माशाल्लाह से। ये देखें, ये आपके सामने ही मैंने बनाया, हर चीज़ जो है ना अपने आपके सामने ही बनाती हूँ। ठीक है जी, चलें जी इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारा ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे व्यूअर्स। ठीक है जी, हमें चलो जी, ये तो होना ही था। चलो खैर है, ये चीज़ें तो होती रहती हैं, किचन में किटपुट ना हो तो मज़ा ही नहीं आता किचन में खाना पकाने का। चले जी, ये देखें जी पुलाव हमने बनाया, ये है रायता, ये रायता है ये सलाद। ठीक है जी, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल का बटन भी दिया वो भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।